हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर डेजर्ट एनिमल्स, ग्रेड 6, हनीसकल बुक, सीबीएसई बोर्ड से। बच्चों, डेजर्ट क्या होता है? यानी रेगिस्तान। रेगिस्तान जहां पर पूरी तरह से रेत ही रेत होती है। अब ये जो डेजर्ट होते हैं, ये धरती पे वो इलाके हैं जहां पर महीनों या सालों बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। पर जैसे हम इंसान हैं, बगैर पानी के नहीं रह सकते, उसी तरह से जानवर भी बगैर पानी के नहीं रह सकते। लेकिन रेगिस्तान में जो जानवर पाए जाते हैं, वो किस तरीके से मैनेज करते हैं, अपने आप को संभालते हैं कि पानी नहीं है, कम पानी है, फिर भी वो रेगिस्तान में अपने आप को जिंदा रखते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है, इसमें मेनली यही बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं और वो अपने आप को कैसे सरवाइव करवाते हैं इस टफ कंडीशंस में, यानी कि जहां चिलचिलाती धूप है, तपती हुई रेत है और पानी नाम मात्र है या बिल्कुल ही नहीं है कहीं कहीं। तो ये जो हमारा चैप्टर है, इसमें क्या बताया गया है कि रेगिस्तान वो इलाके होते हैं धरती पे जहां पर महीनों या सालों बारिश नहीं होती है। पर जो रेगिस्तानी जानवर हैं, अब वो भी बगैर पानी के तो रह नहीं सकते बहुत लंबे समय तक, कि इतनी तपती धूप में जो है वो बगैर पानी के काफी लंबे समय तक जिंदा रह पाए। तो उनको क्या करना होता है, वो अलग अलग तरीके निकाल लेते हैं कि किस तरीके से वो कम पानी से भी अपना गुजारा कर सके। अब इसमें जो जानवरों के बारे में बताया गया है, उसमें जो पहला जानवर है वो जर्बिल्स है। जर्बिल एक तरह का रेगिस्तानी जानवर है जो चूहे की शक्ल का होता है, पर उसके जो पीछे के पैर होते हैं वो लंबे होते हैं। ये क्या करते हैं, क्योंकि चूहा जैसे बिल बना लेता है, उसी तरीके से ये जो है जमीन के नीचे खोद 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 के जो है बरो बना लेते हैं, यानी एक तरह की सुरंग सी बना लेते हैं, और जहां उनको लगता है कि यहाँ ठंडक है जमीन में, वो वहां पर रहते हैं। तो एक तरह से जो रेत होती है ऊपर काफी गर्म है, लेकिन नीचे जहां ठंडक है, जर्बल्स वहां तक अपना घर खोद कर बना लेते हैं और उसमें अपना पूरा दिन बिताते हैं। इसी तरह से एक जगह कीड़ा मकोड़े होते हैं, तो उसमें से एक कीड़ा होता है काले रंग का, बीटल्स। उसकी जो है ऊपर की खाल जो है बहुत ही चिकनी और जैसे काले रंग की होती है, जैसे बूट पॉलिश होती है, बिल्कुल वैसी काले रंग की होती है। इनकी क्या खासियत है कि ये जो हैं, जो ओस की बूंदे हैं या जो मॉइस्चर होता है, नमी है, उसकी जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, उसकी जो बूंदे होती हैं, उसे जो है अपने पैरों पर पकड़ लेते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको धीरे 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 हवा में ऊपर उछाल के अपने मुंह तक जो है उसको ले आते हैं और मुंह में गिरा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जो सारे के सारे रेगिस्तान हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है सैंड ड्यून्स हैं। सैंड ड्यून्स का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ रेत के पहाड़ हैं। जैसे जब रेगिस्तान में हवा चलती है तो रेत जो है एक तरफ उड़ती चली जाती है, तो जहां जहां वो उड़ती जाती है तो एक तरह से ऐसा लगता है जैसे मानो रेत का पहाड़ बन गया हो। तो ऐसा नहीं है कि सारे डेजर्ट में सिर्फ और सिर्फ रेत के पहाड़ है। कहीं ऐसे डेजर्ट हैं जहां पर पत्थर भी मौजूद हैं, पहाड़ी इलाका है, जैसे पथरीला इलाका है, कहीं कहीं पर छोटी छोटी झाड़ियां मिल जाएंगी। कुछ ऐसे रेगिस्तान है जहां पर बसंत के मौसम में कलरफुल या रंग बिरंगे फूल आते हैं। अब जैसे जर्बल्स और बीटल्स थे, इसी तरह से एक जानवर और है जो रेगिस्तान में पाया जाता है, वो है सांप। लगभग 2300 अलग अलग तरीके की प्रजातियां हैं सांप की जो दुनिया में पाई जाती हैं। ये जो सांप है ये 15 सेंटीमीटर से लेके 11 मीटर तक लंबा हो सकता है या उससे भी ज्यादा। ज्यादातर जो सांप होते हैं उनसे हमें नुकसान नहीं पहुंचता, पर कुछ ऐसे सांप हैं जो अगर इंसान को एक बार अपना डंक मार दें तो इंसान उसी सेकेंड या उसी मिनट मर जाएगा। ज्यादातर सांप जो हैं वो अंडे देते हैं, लेकिन उसमें से बहुत से ऐसे भी हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। अगर हम अमेरिका के डेजर्ट्स की बात करें तो जो अमेरिका के डेजर्ट हैं वो काफी ड्राई हैं और पथरीले हैं। वहां पर जो हैं सबसे खराब सांप माने जाते हैं जो वो रहते हैं, रैटलर सांप कहते हैं उनको, जो झुंझुने की तरह अपनी पूंछ को हिलाते रहते हैं। ये सांप इसलिए खराब माने जाते हैं क्योंकि ये जो इनकी झुंझुना है ये लगभग 30 मीटर की दूरी से भी सुनाई दे जाता है। अगर आप 30 मीटर की दूरी पे हो और ये कहीं सांप आसपास है तो इसकी ये जो सरसराहट है, इसकी ये जो झुंझुने की आवाज है पीछे की, ये आपको 30 मीटर की दूरी से भी सुनाई दे जाएगी। पर ये हमला करता है ये बिल्कुल
लाइट की स्पीड से हमला करता है, यानी इतनी तेजी से हमला करता है कि आपको बचने का मौका नहीं मिलेगा। पर ये जो रैटल सांप होते हैं, इनको रैटलर भी कहते हैं, ये ज्यादातर लोगों को जितना हो सके अवॉइड करते हैं। अवॉइड करने का मतलब हुआ कि ये लोग जो है बचते हैं उनसे, कि ना सामने पड़े या ना उन पर लोगों की नजर में आए। अगर ऐसा लगता है कि कोई आसपास है इनके, मतलब सांप के आसपास है, तो एक होता है ना वार्निंग देने का तरीका, तो ये भी कोशिश करते हैं कि वो जो सांप है, वो जो इंसान है, वो चला जाए वहां से। तो क्या करते हैं, ये अपनी जो पूंछ है उसको सीधा उठाकर ये जो पीछे से इनका जो झुंझुना है, रैटल जो है, इसे बजाने लगते हैं, मतलब इसे हिलाने लगते हैं जोर जोर से। उससे क्या है, पता चल जाएगा, क्योंकि हमें ये बात पता है 30 मीटर तक हम इस आवाज को सुन सकते हैं, तो जो भी कहीं आसपास होगा वो वहीं से भाग जाएगा और इन्हें ऐसा नहीं होगा कि उस पर हमला करना पड़े। पर अगर उसे ऐसा लगता है कि उसने इतना ज्यादा अलर्ट किया फिर भी कोई नहीं मान रहा है, उसकी तरफ आ रहा है, तो उसे अपने को, भाई हर जानवर हो चाहे हर इंसान हो, अपने अगर कोई पास आ रहा हो तो सामने वाला डरता ही है कि पता नहीं मेरे को नुकसान ना पहुंचा दे। तो फिर ये क्या करता है, ये अपने आप को एक कॉइल की फॉर्म में गोला बना के, जैसे कहना चाहिए ना, हमने वो देखी ना मॉस्किटो कॉइल से एक सर्कुलर बनी रहती है, ये बिल्कुल वैसे ही अपने आप को कॉइल की फॉर्म में लपेट लेता है और बिल्कुल तैयार हो जाता है कि ये अटैक कर देगा। पर एक प्रॉब्लम क्या है, ये जो आवाज करता है ये आवाज दूसरे तो सुन सकते हैं, पर इसकी खुद की आवाज जो है ये सांप नहीं सुन पाता। मतलब ये जो रैटल की साउंड है, वो जो पूंछ से वो करते हैं अपनी, जो बिल्कुल टेल एंड पॉइंट है, इतनी जोर से हिलाते हैं कि हमें 30 मीटर तक दूर तक सुनाई दे रही है, पर सांप को खुद को नहीं सुनाई देती। बाकी और सांप के जैसे ये भी जो है, जो ग्राउंड होता है उस पर जो हलचल होती है, जो ससराहट होती है, उससे सुनते हैं। सपोज अगर कोई इंसान जो है बिल्कुल सांप के पास से गुजर रहा है, तो इनको जो है उसके जो मूवमेंट की ससराहट है उसे पता चल जाता है। लेकिन वहीं पर अगर सामने खड़े होकर इंसान जोर से चिल्ला रहा है तो इन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। इस तरह के ये जो रैटल सांप हैं, ये बहुत कॉमन हैं और जैसे कहना चाहिए काफी जगह फैले हुए हैं, खास तौर से अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, कैनेडा से लेकर अर्जेंटीना तक इस तरह के सांप आपको मिल जाएंगे। अब ये क्या करते हैं, ये अलग अलग तरीके के जानवरों को खाते हैं, जिसमें चूहे आ गए, वोल्स आ गए। वोल्स जो हैं वो जानवर हैं जो एक तरह से चूहे की ही तरह की प्रजाति हैं और वो जो हैं पेड़ पौधे खाते हैं। रैट्स यानी फिर अगेन चूहा हो गया, और ज्यादातर जो छोटे छोटे जानवर होते हैं उनको ही खाते हैं। इसमें चिपमंक्स आ गए, चिपमंक्स भी जो है एक तरह की छोटी छोटी गिलहरियां होती हैं जिनके ऊपर हल्की या डार्क कलर की लाइनें पड़ी होती हैं, और छोटे छोटे जानवर जो हैं उनको खाते हैं। अब ये जो रैटल स्नेक्स हैं ये मारते कैसे हैं, अपने जहर से, और बाकी और सांपों के जैसे ये पूरे के पूरे जानवर को निगल जाते हैं। पर इनकी खासियत क्या है कि कुछ सांप ऐसे होते हैं जिनको एक हफ्ते में ज्यादा बार भी खाना पड़ जाता है, लेकिन जो बड़े बड़े पाइथन्स होते हैं वो पूरे साल एक तरह से सरवाइव कर जाते हैं बिना खाए। मतलब उनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो बिना खाए पूरा साल जो है जिंदा रह सकते हैं।